नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? मौज में? अति बिंदास रहा करो। तो हमारा कल मैंने आपको वाटर इमेज के बारे में बताया था कि वाटर इमेज कराऊंगा। आज हमारा जो मिरर इमेज है निकी दर्पण प्रतिबिंब है वो टॉपिक हो गया। आज क्या चलेगा? वाटर इमेज। तो इसके बारे में अब देखते हैं। वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब ठीक है। तो वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। जल में कैसे बनता है? मान लो कोई भी रख लो, यह ऐसे ठीक है। मिरर में तो ऐसे रहता था दाएं बाएं, और वाटर में ऐसे रहेगा। वाटर में नीचे, मिरर में दाएं बाएं का सिस्टम था, इसमें ऊपर और नीचे का सिस्टम रहेगा ठीक है। ऐसे ऐसे तो ये कैसे बनेगा? ठीक है, अब चलते हैं अल्फाबेट से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कितनी अल्फाबेट है? 26 है। तो इन 26 को बनाकर देखते हैं पहले। ये क्या हुई? हमारी अल्फाबेट हो गई ए से जेड तक। अब इन जो वाटर इमेज है वो किस प्रकार से बनेंगे वो देख लो। ए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया वाटर इमेज में ये क्या है। वाटर है, इमेज यहां पर बनेगी, और जिसकी इमेज बनानी है वो यहां पर रहेगा ठीक है। अब देखो ए, तो इसका वाटर इमेज ऐसे बनेगा ठीक है। बी का वाटर इमेज ये रहेगा, सी का सी रहेगा, डी का डी रहेगा, ई का ई रहेगा। आके देख लो, ये ऐसे है तो ये भी ऐसे ठीक है। मतलब किसी प्रकार का चयन नहीं हो रहा। डी में देख लो, डी ऐसे होता है, इसका वाटर बनाओगे तो ये जो लाइन है सीधी तो सीधी सीधी रह जाएगी, और ऐसे चलो चला लो चाहे इसको ऐसे चला लो, सेम आकृति दिखेगी ना। तो ये क्या होती है? नो चेंज होती है, मतलब चेंज नहीं होती कुछ आकृति है। एफ में बनेगा ऐसे ठीक है। जी बनेगा हमारा कैसे? ऐसे, ये क्या हमारा जी है। एच भी नो चेंज है, आई भी नो चेंज है, मतलब ये चेंज नहीं होते। जे बनेगा हमारा कैसे? ये लाइन तो ये हो गई और ये हो गई, समझे? अरे ऐसे बन जाएगा ये दो जे।
के बनेगा। एल में एम का उल्टा डब्लू, एम को वाटर में देखेंगे तो डब्लू की तरह दिखेगा, एन का तो इसका बनेगा ये दूर है तो दूर ऐसे। ओ का नो चेंज रहेगा, पी में स्मॉल बी की तरह दिखेगा पी। क्यू का क्या बनेगा, ये बनेगा। आर में एस में टी की इमेज ये बनेगी। यू का वीपी उल्टा डब्लू किसकी तरह दिखेगा, एम की तरह, ठीक है। एक्स एक्स क्या हो जाएगा हमारा, नो चेंज, ये यहां पर दिखेंगे नहीं है ना आपको, इनको थोड़ा छोटा बना देता हूं। एक्स वाई जेड, एक्स सेम रहेगा ऐसे कैसे, ठीक है। वाई वाई बन जाएगा हमारा ऐसे, और जेड जेड ऐसे बनेगा, ठीक है। उतारो इनको फटाफट फटाफट उतारो इनको। ये क्या है हमारा, वाटर इमेज में अल्फाबेट की इमेज हैं, यानी कि जल में अगर हम अल्फाबेट को देखेंगे ना वर्णमाला तो वे हमें इस प्रकार से दिखेंगी, ठीक है। उतारो फटाफट फटाफट उतार लो, फिर आपको संख्याएं बताऊंगा 0 से 9 तक की। नोट्स बनाते चलो और फटाफट एक बार शेयर कर दो, दबाकर शेयर कर दो, नोट्स बनाते चलो। चलो किसमें संख्याएं देखते हैं, संख्याओं के वाटर में देखते हैं, ठीक है। देखो संख्याएं, देखो हमारी संख्याओं की, इनको उतार लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें संख्याओं का वाटर में देखो तुम, ठीक है। ये क्या हो गई मान संख्याएं, मेन संख्याएं चाहिए होती है, अभी मैं जोड़ जोड़ कर कितनी संख्या बनाते चलो, ठीक है। 0 से 9 तक मेन संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखना। अभी इनकी बात ट्री में देखो, 0 की 0, 1 में ऐसे, ठीक है। 2 की क्या हमारा 2 है,
क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, चार में, पांच में, ऐसे यहां से देख लो नीचे से, ये हो गया पांच। ठीक है, छह में क्या होगा, सात में, ये हो गया हमारा सात, आठ सेम रहेगा, और नौ, ये सॉरी नौ कैसे रहेगा, कि नौ किसकी तरह दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, चलो हो गई ये रो से नौ तक, उतारो इनको फटाफट। फिर इनके कुछ फैक्ट्स बताता हूं, फिर किस्नों पर चलेंगे। उतार लो इनको फटाफट, उतार लिए होगे। चलो देखो, जल प्रतिबिंब में साथ ही साथ लिखते चलो इन नोट्सों को। ठीक है, देखो जल प्रतिबिंब में नौ वर्ण परिवर्तित नहीं होते। वर्ण की इमेज जल प्रतिबिंब में देखने पर हमारे पास नौ वर्ण ऐसे होंगे जो कि क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी कि उनको जल में देखोगे तो क्या रहेगा, सेम रहेंगे, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं देखो, बी सी डी, ई के बाद एफ भी चेंज होता है, जी बी एच एच आई के, एच आई के बाद वो हमारा नो चेंज होता है, और एक्स हो गए नो, तीन छह तीन चंद, ये नौ वर्ण ऐसे हैं जो कि हमारे चेंज नहीं होते हैं, समझे। अगर आपने कल अच्छे से पढ़ा हो और आपको याद हो ना, एच आई ओ एक्स, यानी एच आई ओ एक्स, ये जो चार वर्ण है ना, ये इसमें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दोनों में सेम होते हैं, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, एच आई ओ एक्स दोनों, ये चारों ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं होते। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि
कौन सा ऐसा वर्ण है जो चेंज नहीं होता, जो कि न तो जल प्रतिबिंब में और न वाटर प्रतिबिंब में चेंज होता। तो चार वर्ण कौन से हैं? HIOX, समझे? अब वो हो गए, उतार लो इनको, मेन मेन बातें ये तो उतार लो, तुरंत नोट्स बनाते चलो, फिर आगे बताता हूँ। देखो क्या है, आगे वाटर प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे का सिस्टम चलता है, और दर्पण प्रतिबिंब में क्या चल रहा था? दाएं और बाएं का, ठीक है? देखो ऊपर व नीचे का प्रभाव पड़ता है, जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे का प्रभाव पड़ता है, जबकि जो हमारा कल दर्पण प्रतिबिंब था उसमें दाएं और बाएं का प्रभाव पड़ता है। दोनों टॉपिक लगभग सेम है, ठीक है? और यदि देखो ये क्या है, कुछ भी मान लो, ए मान लो, ठीक है, ए में अगर हम दर्पण इस तरफ रखेंगे तो हमारा ए ऐसे आएगा, अगर हम दर्पण इस प्रकार रखेंगे तो हमारा ए इस प्रकार आएगा, और यदि हम दर्पण को इस प्रकार रखेंगे ना तो हमारा ए इस प्रकार आएगा। और ये आकृति कैसी है? ये किसकी? जल प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनता है एक का, अभी मैंने आपको बताया, जल यानी कि किसी भी संख्या वर्ण या फिर आकृति के नीचे अगर मिरर रखेंगे ना तो वो क्या बनेगा? सेम जल प्रतिबिंब के समान बनेगा। अनकी किसी भी, मान लो आप बी मान लो, बी के नीचे अगर दर्पण रखेंगे तो बी ऐसे ही बनेगा, और अगर बी को जल प्रतिबिंब में देखोगे तो बी ऐसे ही बनेगा। आ रहा है समझ में? उतारो इनको फटाफट, इसको उतारो और एक ये नोट कर लो। क्या दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण को आकृति या वर्ण, आकृति या वर्ण के नीचे रखने पर जल प्रतिबिंब के समान आकृति बनेगी, जल प्रतिबिंब के समान आकृति बनेगी। ठीक है, क्या हमारा क्या कह रहा है? मैंने आपको समझा दिया, दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण को आकृति या वर्ण संख्या के नीचे रखने पर जल प्रतिबिंब के समान आकृति बनेगी, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर दर्पण को नीचे रखेंगे ना तो सेम किसके जैसा व्यवहार करेगा? जल प्रतिबिंब के समान आकृति हमें प्राप्त होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ठीक है? देखो इनका क्या बनाना है, हमें जल प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है? तो जल प्रतिबिंब मैंने आपको बताया तो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि जल को तो ऐसे कर नहीं सकते भाई, जल को ऊपर ले लिया नीचे आकृति सर कर दिया, जल को ऐसे करोगे तो नीचे ही जाएगा जल तो, ठीक है? तो अब क्या बनेगा एस का? एस कैसे बनता है? ऐसे बनता है, तो ऐसे यूं किस प्रकार से बनता है?
ये क्या हो गया हमारा सुरेश नाम का जल प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें दिख रहा होगा क्या, अगर सुरेश नाम का उल्टा दर्पण वो नीचे दर्पण रखकर बनाएंगे ना तो भी ऐसे बनेगा। आ रहा है समझ में? अब आता है मोनू, एम का क्या बनेगा, डब्लू, ओ सेम रहता है, एन किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से एन, और यू इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, जो आप करते यानी कि जो ये देखो कहां पर है, जल के बिल्कुल पास है तो जल के पास ही रहेगा, ये दूर है तो ये भी दूर है, देखो ये जल के क्या है, नजदीक है तो ये भी नजदीक है। ठीक है, ये क्या है, जल के नजदीक है तो ये भी नदी है, ये छोर दूर है तो ये दूर है। आ रहे समझ में? यानी कि जो नीचे है वो क्या हो गया, इसमें नीचे है इसमें ऊपर ही ऊपर हो गया। ठीक है, यानी कि जल प्रतिबिंब में नीचे और ऊपर का सिस्टम चलता है, और वो मिरर में दाएं और बाएं का सिस्टम चलता है। ठीक है, आ रहे समझ में? समझ में आ रहा है तो फटाफट एक बार शेयर कर दो दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो हमारी नेक्स्ट इमेज क्या है, मोरनी, क्या कह रहे हैं, मोरनी और टाइगर, इन दोनों को क्या करना है, जल प्रतिबिंब में बनाना है, समझे? मोरनी ये क्या हो गया हमारा जल, मोरनी का एम का ऐसे बनता है, ओ सेम रहता है, आर ऐसे बनता है। ठीक है, लिखोगे तो ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे आपसे। आई सेम है और जी, बन गया टाइगर में देख लो, ये टी हो गया हमारा, ये आई हो गया, जी कैसे बनेगा, ये जी हो गया, ई का सेम रहता है ई, और आर में आर। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये जल के पास है तो पास, ये पास है तो ये भी पास हो गया। ठीक है, इसमें ये पास है टी। ठीक है, यानी कि जो जल के पास होगा वो पास ही बनेगा लेकिन उसका उल्टा बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृतियां हैं, इन आकृतियों का क्या बनाना है, हमें जल प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, देखो सबसे पहले ये आयत, वर्ग जो भी मानो आप ये बनाओ। ठीक है, पहले ये वर्ग या इस प्रकार के प्रश्नों में बाहर से बाहर का आवरण बना लोगे, फिर इसमें क्या है मिरर के मतलब या फिर जल प्रतिबिंब जल के सामने जस्ट पास क्या है, ये है कौन से कोने में, इस कोने में, तो ये कैसे जा रही है ऐसे। ठीक है, और ये इस साइड है और कहाँ से है, जल से दूर है तो ये भी क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है, अब ये जो लाइन ऐसे आ रही है ये न तो इस कॉर्नर में बिट रही है और न इस कॉर्नर में है। ठीक है, तो ये ऐसे आ गई। ठीक है, अब इसके पास ये क्या है, माइनस है, माइनस हमारा
ये आ गया और प्लस यहां पर आ जाएगा, मनोया करती। इसी प्रकार इसमें देखो कितनी, ये क्या हमारा मेन सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से कितनी लाइनें हैं, 8 लाइनें, तो ये क्या बना लिया हमने सेंट्रल पॉइंट, यहां से 8 लाइनें हो गई हमारी, 8 लाइनें। ठीक है, अब देखो जल के जस्ट पास आकृति में नीचे क्या है, ये है आयत, तो प्रतिबिंब में हमें क्या दिखेगा, सबसे ऊपर दिखेगा आयत, ये हमारा आयत होगा। फिर इस तरफ ये क्या है, वृत्त है हमारा, तो ये क्या वृत्त दिखेगा हमें। ये फिर त्रिभुज, और ये तीर का निशान आ रहा समझ में। ये क्या जल के पास है, तो जल के पास ही रहेगा, और इसमें ये दाई तरफ है तो ये दाई तरफ ही रहेगा, बाई तरफ का बाई तरफ ही है, इसमें दाया बाया चयन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, ऊपर वाला नीचे जा रहा है और नीचे वाला ऊपर आ रहा है, यानी कि दाई बाई में कोई चयन नहीं होता, सिर्फ ऊपर और नीचे में चेंजिंग आती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो देखो हमारी नेक्स्ट आकृति है ये। ठीक है, इसमें ये वृत्त के अंदर क्या हमारा एसपी, एसपी कोचिंग, ठीक है, और ये क्या है इमेज है, इन दोनों का क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब। तो देखो इनका जल प्रतिबिंब, पहले बाहर की आकृति मैंने पहले बताया था, पहले बाहर वाली आकृति, फिर क्या इसमें एस है और पी है, एस किस प्रकार से बनता हमारा ऐसे, और पी इस प्रकार। ठीक है, मैंने वर्ण में समझा दिया एस पी किस प्रकार से बनते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत बन जाएंगे। इसमें देखो पहले बाहर की आकृति, ठीक है, फिर ये बना लो आप। अब देखो ये इस कॉर्नर से जा रहा है और सेंटर में जा रहा है, और ये इस कॉर्नर से यहां पर नीचे का पार्ट बन गया, ये ऊपर वाला। अब देखो नीचे का पार्ट बन गया ना, अब आता है हमारा ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट में क्या हो रहा है, दोनों कॉर्नर में इस प्रकार से लाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, दोनों कॉर्नर हो गए। ठीक है, अब ये क्या हमारा मेन ऊपर ऊपर का पॉइंट, यही हमारा यहां से यहां पर क्या आ रहे हैं लाइन, यानी कि विकर्ण मान लो, ये मान। ठीक है, बन गई आप क्या करती, बन गया जल प्रतिबिंब, समझ में आ गया ना। अगर आप मानो ना तो रीजनिंग के सबसे इजी चैप्टर क्या क्या है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ये दोनों चैप्टर बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, एक क्लास में हो जाते, लेकिन मैंने आपको विस्तार से समझा दिया, एक वर्ण आकृति सब के बारे में समझा दिया, बाकी अगर आप ऑफलाइन कोचिंगों में ऐसे जाओगे ना तो एक क्लास में दोनों चैप्टर क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, कर फिर मिलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपका जल प्रतिबिंब पूरा हो गया आज। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम 9 बजे, और एक बार दबाकर लाइक शेयर और कर दिया करो। और हाँ एक मेन बात, अपना खुद का नाम, घर वालों का नाम, या फिर और कुछ आकृति वगैरह कुछ भी, उनका जल प्रतिबिंब बनाकर जरूर देखें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई मिस्टेक आई तो हमें टेलीग्राम लिंक पर बताएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।